इस तरह लग के ऐसे जाके सीधा ऐसे ना अबाउट टर्न की और ऐसे आती है। कोई बात नहीं, शाबाश। किचन में, किचन में हम किधर आ जाए? हाँ थोड़ा सा टाइम रह गया, मेरी हेल्प कर दे। चले कोई बात, आ जाए आ जाए आ जाए हमाद, आ जाए ना प्लीज। उफ मेरे अल्लाह, अयान अहमद नहीं, धक्के से का क्या मतलब है? अब मेरे पास और तो कोई बंदा है नहीं जिससे मैं बातें शाते कर चुकी। व्यूज आपकी बहन के वैसे इतने डाउन होते हैं, कोई मुंह नहीं लगता, कोई वीडियो नहीं देख। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू डेली डायरीज विद मारिया। तो बहुत बहुत वेलकम आप लोग का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और रमज़ान करीम की बाबरकत खुशियों को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जो इतने आराम और सुकून से लेटी हूँ, वजह यह है कि बहन ने आज सुबह सहरी के अंदर तीन चम्मच सिर्फ चावल के खा के रोज़ा रखा हुआ है और इस टाइम तक अब मेरी बस हो गई है। मतलब आज मेरा मूड नहीं हो रहा। आई फोर्स अ लॉर्ड कि भाई अपने ये जो मेरे शरीफ से मियाँ साहब बैठे आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई आज हम अफ्तारी जो है वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से कुछ खा लेते हैं। पर नहीं, मैं पहले भी मैंने अपनी एक व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि बंदा कुछ भी हो जाए, जैसा भी बंदा हो, दुआ किया करे अपनी नमाजों के अंदर कि आपका जो बंदा है ना चस्कोरा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अयान अहमद क्या हो गया है? चस्कोरा होने के बड़े नुकसान होते हैं, मतलब इनको खाना भी है और खाना भी घर का है, तो भरपूर ढिटाई का सामना करने के बावजूद ये मैं सुकून आराम से बैठी लम लेटियाँ मार रही थी बिस्तर के ऊपर कि मुझे ना ही उठना पड़े। बट मेरी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। नाकाम इन अ सेंस के मुझे उठकर किचन में अब जाना पड़ेगा कि कोई ना कोई खाना जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आज मैंने फिर सोचा है कि चले भई आज कुछ खाने में, पिछली दफ़ा मैंने पुलाव बनाया था, कोई सालन टाइप चीज़ जो है ना वही कुछ बना लेते हैं। तो क्योंकि खानी तो उन्होंने रोटी होती है, पकौड़े समोसे तो उन्होंने खाने नहीं होते, वो तो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जी। तो आज कॉम्प्लीमेंट्री फूड इनका फुल अवॉइड करते हुए मैंने जो है सोचा है कि चिकन मैंने वॉश करके रख लिया था, इनको मैंने मंगवाया था कि थाई के पीस ले आए और ये पूरे के पूरे इकट्ठे उठा के ले आए कि सारे का सारा काम मेरी बेगम को ही करना पड़े, धोना भी खुद ही पड़े और काटना भी खुद ही पड़े। एनीवेज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन पेपर चिकन। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम आपके साथ जो है वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करते जाते हैं। अच्छा आज मैंने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा वैसा लफ्ज़ ना बोलूँ जो कि मेरा पकड़ा जाए, जैसे कल की वीडियो में मेरा फटाफट पकड़ा गया था। एनीवेज उसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो आपको चाहिए एक बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान, मतलब आपका शौहर। प्याज काटे, प्याज हमने काटना है। जी जी बिल्कुल, प्याज आपने काटना है। जब चस्के खुद लेने हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम कर लेंगे तो कोई बात नहीं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि वो अपनी बीवी की जो है वो मेहनत कर सॉरी मदद करते होते थे खाना बनाने में घर के बाकी कामों के अंदर। ठीक है जनाब, अब बात ही ऐसे की है, बंदा आगे से क्या करे। जी जी बिल्कुल, सुन्नत को पूरा करे। शाबाश, चलो बेटा आप भी अपने बाबा की हेल्प करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सड़ा हुआ बैठा इधर। अयान अहमद चले चले, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मौत सिर्फ 35 मिनट अफ्तारी के रह गए, जल्दी करें शाबाश। बाय नो, वेरी गुड, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह। एनीवेज भाई बाकी सारी बातें मजाक की मजाक में रह गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की लाख शुक्र अदा करती हूँ मैं इस बात का कि मेरे मियाँ जो है बहुत ही अच्छे और सपोर्टिव है। ये मैं मस्कार ही लगा रही हूँ, बाकी चीजें चले बात कोई बात नहीं, आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दे, मैं आराम से थोड़ा रेस्ट कर लूँ, आज काम करते मुझे आप प्यारे लग रहे हैं। तैयारी करो शाबाश, हमारा ऐसा नहीं हो सकता आज पूरे का पूरा खाना आप बना लो। नहीं वहाँ चले कोशिश कर लेते हैं, धक्के से हमें व्लॉग में घसीट लेती हो। नहीं धक्के से का क्या मतलब है? अब मेरे पास और तो कोई बंदा है नहीं जिससे मैं बातें शाते कर चुकी। व्यूज आपकी बहन के वैसे इतने डाउन होते हैं, कोई मुंह नहीं लगता, कोई वीडियो नहीं देखता। देखेंगे देखेंगे इंशाल्लाह। अयान मामा की वीडियो देखेंगे ना? देखेंगे, मेरा बेटा देखेगा सबसे पहले तो। जैसे जैसे बाकी वीडियोस होती हैं ना, इस तरह लग के ऐसे जाके सीधा ऐसे ना अबाउट टर्न की और ऐसे आती है। कोई बात नहीं, दिन सबके बदलते हैं हमास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कोई ना कोई अच्छा दिन जो है वो लाजमी तौर पे आता है। तो भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट की और दुआओं की जरूरत है आप लोगों की, आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो मुझे ऐसे ही जो है
तंजुम जाहिम के वाले जो लहजे हैं और जो ताने हैं वो सुनने पड़ेंगे। प्याज काटें आप, ज्यादा बातें ना सुनाएं मुझे। ढूंढती है कंटेंट जो कि आपके पास होता कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये है ना कंटेंट, चले शाबाश शाबाश। इसके ऊपर ना कुछ रहना नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से छीले काटें से शाबाश। वीडियो बना रही हो? हाँ जी मैं बना रही हूँ, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। कोई बात नहीं, दुनिया में मर्द काम नहीं करते, फिर क्या होगा। चले शाबाश। आयान अहमद स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मैं मारूंगी मामा ने, अभी अभी नहलाओ के कपड़े बदले। हमारे प्याज काट दिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाए आ जाए शाबाश किचन में। किचन में हम किधर आ गए? हमार थोड़ा सा टाइम रह गया, मेरी हेल्प कर दें। चले कोई बात नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए। हमार आ जाए ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसी की तैसी आपकी। नहीं नहीं नहीं, चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चले चलो। नहीं नहीं शूज अयान, चलो चले चलो 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 चलो। आ गई आ गई आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखे भाई, हेल्प करवाते हुए चले चले शाबाश। आज आधे से ज्यादा काम जो है वो आपके हाथ से होना है, मुबारक हाथों से। चले चले शाबाश। नहीं ये आपका केले का रोजा है, हमारा रोजा नहीं है। हमार आपने पूरा पराठा खाया था, मैंने सिर्फ 3 चम्मच चावलों के खाए थे। ठीक है ये वीडियो बन रही है ना, आज सारी कुकिंग मैं करूंगा। ये आपने 10 साल लगा देने, मुझे ज्यादा प्यास लगी। ये पकड़े आप, ये मैं खुद ही कर लेती। पकड़े आप, छोड़ो। ये बहुत अच्छी ब्लैक मेलिंग है आपकी। Very good. मैं खुद बना देती हूँ, छोड़े आप। जितने भी काम करने हैं ना मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा आज वैसे बना क्या रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ लेमन पेपर चिकन। ये जो आप इतने बड़े बड़े उठा के ले आए ना, उसे कटवा कर भी नहीं लेकर आते। आधा टाइम तो मुझे इनको प्रॉपर साइज देने के अंदर लग जाता है। ये क्या कर रहे हो? ये कटवा कर ले आया करें मार, इतनी देर लग जाती है। ऊपर छुरी भी आपने दूसरी लेकर आई, पुरानी मैंने कोई निकाली है, वो ठीक से चल भी नहीं रही। ते एने केड़ा विचो निकल के पास आना ठीक है। अच्छा आपस की बात है, जब भी जल्दी होती है ना तब भी काम खराब होता है। आज जल्दी है, मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई है। मुझे लगता है आज हमारी इफ्तारी हमने पानी पी के रोजा खोलना है। लिखवा ले मेरे से इतनी जल्दी कोई खाना। ये जल्दी करने का वैसे एक और तरीका है ना। क्या? इधर स्टैंड रखो और वीडियो बनाओ फोन से, ठीक है, बगैर किसी से बातें किए। ये 2 मिनट में जनाब सारी तैयार हो जाएगी। ये जल्दी करने का एक और तरीका है, आप फोन उठाएं, फ्लेवर्स पे कॉल करें और उन्हें कहें कि 2 मलाई रोटी साथ में 2 फ्राइड राइस हमारे घर पे ड्रॉप कर जाएं। फ्लेवर्स वाले ना कॉल ही नहीं मेरी उठाते है, वो कहते हैं कि नहीं भाई नहीं। इस तरीके से करें ना, जिस जब अपने ऊपर बात आती है फिर आपको बातें याद आ जाती है। ये मुझे काटने दे फटाफट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फटाफट से बस अगेन फटाफट। ओके आई एम सॉरी, अपने मैंने बोला जल्दी जल्दी से हम लोग बस इस चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, थोड़ा पास आ जाए। दिखाएं भाई, आपको दिखा देते हैं हम लोगों ने लेमन पेपर चिकन जो बनाना है। इसमें चिकन और उसके अंदर आपने 2 से 3 लेमन निचोड़ के लेमन जूस, साथ में आपने अदरक लहसुन का तकरीबन 1 टेबल स्पून तक चम्मच, और उसके साथ साथ आप इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है वो दही आप इसके अंदर शामिल करेंगे मैरिनेशन के लिए। चाय वाला कप था, अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। चाय वाला चम्मच तो था, चाय वाला कप, इट्स ओके। बाकी हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च फटाफट से थोड़ी सी, मतलब जल्दी जल्दी से, आई एम सॉरी, और थोड़ा सा फटाफट। क्या मतलब ये फटाफट? मुझे बोले फटाफट, मेरी ऑडियंस को कोई मसला नहीं होगा। नमक डाल दें इसके साथ। मारिया कौन सी ऑडियंस? हमाद अहमद। अच्छा मैं जल्दी है, मुझे तंग नहीं करें। इसके साथ हमने डाल देना है खुश्क धनिया ग्राइंड किया हुआ, और साथ में हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच। दैट्स इट, बस। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बस। चलें भाई, इसको अच्छे तरीके से आपने बस जो है वो मिक्स कर लेना है,
नाउ लेट इट रेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes. ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है, तब तक मैं जो है वो आटा मेरे गुदा हुआ है पेड़े करके रोटी की तैयारी कर लेती हूँ. हाँ जी फटाफट से, और वो भी इस वजह से कि वैसे तो अगर मैं चाहती तो मैं अपनी सानी के लिए रोटी बाहर से भी मंगवा सकती थी. मियाँ साहब को तंदूर की रोटी नहीं पसंद, चबाई नहीं जाती. बेगम बनाती बहुत अच्छी रोटियां ना, बेगम बनाती बहुत अच्छी रोटियां. ये कभी भी ऐसे झांसों में नहीं आना चाहिए, काम करवाने का दूसरा तरीका होता है. आप फटाफट से काम कर लें, फटाफट से जल्दी जल्दी से मैरिनेट हो जाएगा. मैं हाथ में हाथ, इतनी खामोशी है. अयान कहाँ है देखे ना, ये आज भी टैंक बना रहे हैं. एक बहन कह रही थी कि टैंक आप ना यूज किया करें. उफ मेरे अल्लाह, अहमद हाथ दिखाओ जरा. ये चेक करें, ये जो ब्राय नाम मेरे पास मेकअप बच गया है ना, उसकी भी तूने तबाही फेर दी है. शर्ट भी सारी सारी गंदी कर ली है. किधर जा रहे हो? रोकी ना दिखाओ मुझे, इसको इकट्ठा करो. बाबा के पास क्यों भाग गए हो? इधर आओ वापस. ड्रामेबाज, इसके हाथ चेक कर. चले भी, मौज का सेशन खत्म हो गया है. उसको मैंने इतने भरपूर तरीके से रुला दिया कि वो अपने डब्बा जान की गोद में चढ़ के बैठ गया है. ये बड़ा मसला होता है, हम दोनों को किसी एक को एट अ टाइम उसके साथ रहना ही पड़ता है, वरना एक छोटे बच्चे बड़ा तंग करते हैं. चलो मैं बस बना लेती हूँ इसे. मैंने इसके अंदर खड़े मसाले जो थे वो डाल दिए थे, इनको हल्का सा मैंने जो है वो सौते किया है, फ्राई किया है. फौरन बाद जो है इसके अंदर बारीक कटा हुआ नॉर्मल साइज़ का जो प्याज है हमने वो डाल देना है. टमाटर कोई ऐसे मसाले जो है उसमें ऐड नहीं होने, इसको ऐड कर देते हैं. रोज़ा भी तकरीबन इफ्तार होने वाला है, आज जो है वो इफ्तारी मेरी पानी के साथ ही होने वाली है. पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके. प्याज को बस इतना सा ही ब्राउन करना था. चिकन मैंने साइड पे निकाल के रख लिया था. दही वाले मसाले के साथ इसमें ऐड नहीं करना, ये मैंने इसमें डाल दिया है. इसको नॉर्मल सी आँच के ऊपर बस फ्राई करते जाना. चले भाई, रोज़ा भी खुल गया और हमारा जो आज अफ्तारी है वो नहीं बनी, पर चले कोई बात नहीं. आज जो है हम लोग पानी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं. खाना तो हमने ही है ना, बाद में खा लेंगे. थोड़ी देर पहले खा लिया, थोड़ी देर बाद में खा लिया, क्या ही फर्क पड़ता है. इसका रोना ख़त्म हो गया, ये ले पहले आप अफ्तार कर लें. अल्हम्दुलिल्लाह. ये चुप कर गया, काम नहीं है अभी, मोबाइल हटाऊंगा देखना. ये तो कोको मैरा ने हमारे बच्चे बड़े तैयार कर खराब कर दिया. अच्छा आप थोड़ी सी देर है, ऐं खाना बना के फिर आते हैं. ओके, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया, उसके बाद इसका जो बचा हुआ दही था वो इसके अंदर ही हम लोग डाल देंगे. और इसको हमने तकरीबन अब 10 से 12 मिनट का मैंने रेस्ट दे देना है कि अच्छे तरीके से इसका दही का पानी खुश्क हो जाए, और उसी पानी के अंदर जो है ये चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा. अगर आपको इस टाइम पे दही इसके अंदर कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं. जैसे इस टाइम पे मुझे लगा है तो मैंने सोचा है कि जो दही दूसरी थी उसके मैंने 2 चम्मच जो है मजीद इसमें ऐड कर दिए हैं, मतलब इतना इनफ पानी हो जाए कि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए. बस आप इसको रेस्ट देते हैं ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का, जिसके अंदर ये गल जाए. A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चले भाई, हमारा सारे का सारा जो दही वाला पानी था वो खुश्क हो गया अच्छी तरह से. इस टाइम पे मैंने मिर्च काफ़ी लाइट रखी हुई थी, सारी की सारी पे मैंने मसाले में पूरी कर दी थी. बस थोड़ी सी इसके अंदर और एंड पे काली मिर्च ऐड करनी है, दैट्स इट. इसको मिक्स कर लें. ये सारे का सारा भी तैयार है. आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है. अब मैंने वैसे जो इसके अंदर अपनी रेसिपी से मैं बनाती हूँ, जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, अब मैंने डालनी है इसके अंदर क्रीम. क्रीम ले ली थी मैंने, इसको अच्छे से बीट कर लेना है आपने और इसके अंदर ऐड कर देना है बस. ये आपने तब ऐड करनी है जब आपका चिकन आखिरी मराहल पे हो पकने की, आखिरी सांसों पे हो. इस टाइम के अंदर बस फटाफट नहीं, जल्दी जल्दी से आप इसको इसके अंदर ऐड करें. और ऐड करने के बाद इसको बड़े ही प्यार और मोहब्बत से मिक्स कर लें. दैट्स इट.
चले भी हमारा क्रीमी क्रीमी लेमन पेपर चिकन जो है वो तैयार है। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा मसाला बनाकर रखा हुआ है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। जिसमें सबसे पहले तो आप इसके अंदर बारीक कटे हुए जो लेमन है वो ऐड कर दें। इस टाइम पे चाहे आप तो आँख बेशक बंद कर दें। लेमन को ऐड करने के बाद सेकेंडली आपने इसके अंदर जो है वो बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो है वो ऐड करनी है। हरी मिर्च जो है वो मैं बहुत ही नरम हाथों से बहुत थोड़ी ऐड करती हूँ, क्योंकि हमाद को मिर्चें बहुत लगती हैं। अब जब व्लॉग देखेंगे ना तो मेरी बेइज्जती होगी, उनको नहीं पता। वैसे मैंने एक कमेंट पास कर दिया उनके बारे में। एनीवेज भाई आप देखें, मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हमारी क्रीमी लेमन पेपर चिकन जो है वो तैयार है। बस भाई कमेंट में बताइएगा आपको शक्ल से कैसा लग रहा है, खाकर तो हम देखेंगे। हाँ जी भाई, ये अयान का जो डिनर है वो इधर चल रहा है, जा रही हो सारी है। खाना खा रहे हो? अच्छा हम आप खाना मैंने बना दिया, सालन बन गया। अब भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं रोटी जो है वो फिर तैयार कर देती हूँ, ठीक है। रोटियां मैम तो ऑर्डर दे दिए मैंने, तो वो जो मैंने पेड़े किए हैं खैरियत है, इतनी मेहरबानी मेरे पे आज है। पहले प्याज काट के दिया, फिर अदरक छीला, अदरक कूटा, उन्होंने ड्रिंक बनाया अफ्तारी का, और अब रोटियां भी। भाई साहब आपको तो बाहर की पसंद नहीं है, फिर कोई बात नहीं आज चलते हैं। वेरी गुड भाई, चले भी आपके भाईजान का मुझे लगता है आज मूड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे, तो मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा भाई चैनल अच्छा लगा लगा होगा। देखिए आपने मुझे सपोर्ट करना है। एनीवेज जैसा भी लगा है आपने मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 500 व्यूज दे देना हमाद। अब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा भाई मुझे अब हो रही है देर, व्लॉग को करते हैं पेंड। ओके भाई अल्लाह हाफिज़, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़्यादा अच्छे जो है वो कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.